सर जी, डॉक्यूमेंट्स हम कौन कौन से अपने साथ लेके जाएं? डॉक्यूमेंट्स, मैं डॉक्यूमेंट्स आपको लिस्ट पूरी बता रहा हूं। पहली चीज, आपके पास या तो मैट्रिक की ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड होना चाहिए या ओरिजिनल सनद होनी चाहिए। मैट्रिक का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड या ओरिजिनल सनद होनी चाहिए, पहली चीज हो गई, ठीक है सर। अगर नहीं है तो बनवाओ, गुम हो गई है तो मैं क्या करूं, लेकिन आपके पास ये होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास अगर आपने एफएससी कर ली हुई है तो एफएससी का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड होना चाहिए, दूसरी चीज हो गई। और अगर आपका एफएससी का अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो पार्ट वन का रिजल्ट कार्ड होना चाहिए और साथ में इसके होप सर्टिफिकेट होना चाहिए। होप सर्टिफिकेट आप अपने कॉलेज से बनवाओगे, अपने प्रिंसिपल से, ठीक है। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, आपके पास बेटे आपका डोमिसाइल होना चाहिए। सर हमारा डोमिसाइल अभी नहीं बना हुआ, तो बेटे बनवाओ, डोमिसाइल के बगैर आपका टेस्ट नहीं होगा। डोमिसाइल का बगैर आपका टेस्ट नहीं होगा। तीन चीजें हो गई। चौथी चीज, सर मैं अभी 18 साल से कम हूं तो क्या बेफॉर्म पे टेस्ट हो जाएगा? यस, आपके पास आपका बेफॉर्म होना चाहिए अगर आप 18 से कम हैं। और अगर आप 18 से ज्यादा हैं, 18 प्लस हो चुकी हैं, 18 प्लस हो चुकी हैं, तो आपके पास आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। चार चीजें हो गई, मैट्रिक का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड या सनद, एफएससी का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड या पार्ट वन का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड और होप सर्टिफिकेट, आपका बेफॉर्म या सीएनआईसी, आपका डोमिसाइल, ये चार चीजें हो गई। पांचवी चीज, आपके पास चार फ्रेशली ड्यूली अटेस्टेड तस्वीरें होनी चाहिए जिसका बैकग्राउंड ब्लू कलर का हो, ठीक है। और आपके पास कम से कम 1000 रुपए आपने अपने सेंटर में लेके जाने हैं, 500 रुपए की प्रोस्पेक्टस आपने ले लेनी है या कोई और भी चीज हो, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप की भी कॉपी लेके जानी है। लड़कियां मुझसे पूछती हैं, सर जी पोस्टल ऑर्डर जो है ये हमने अभी लेके जाना है, जो 100 रुपए वाला उधर लिखा हुआ है, वो अभी आपने वो नहीं बनवाना, वो टेस्ट पास करने के बाद आपको चाहिए होगा, अभी आपको वो नहीं चाहिए। जब चाहिए होगा मैं आपको बता दूंगा यूट्यूब पे, अभी आपने वो नहीं लेना, ठीक है। अगर आप अपने साथ अपने गार्डियन का वो ले जाएं आईडी कार्ड तो ठीक है, अगर नहीं लेके जाएंगे तो कोई इशू नहीं है। तो ये हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, एफएससी का रिजल्ट कार्ड या पार्ट वन का रिजल्ट कार्ड प्लस होप सर्टिफिकेट, आपका आईडी कार्ड या बेफॉर्म और आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप, आपका डोमिसाइल, पांच आपकी तस्वीरें, 1000 रुपए और आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, इनके बगैर आपका टेस्ट नहीं होगा। दैट इज ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन टेस्ट ड्यूरिंग टेस्ट इन आर्मी सिलेक्शन सेंटर। ओके सर जी, क्या हम अटेस्टेड करवाएं ये जरूरी है या अटेस्टेड करवाने के बगैर भी चल जाएंगे? बेटे अगर आप अटेस्टेड करवा लोगे तो बेटर है, अगर नहीं करवाओगे तो फिर चल तो जाते हैं लेकिन अटेस्टेड करवा लेना बेहतर है। अच्छा सर जी, अटेस्टेड कहां से करवाएं और क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना है? पागल हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को नहीं अटेस्ट करवाते, अटेस्ट आपने करवाना है बेटे अपनी, वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैंने पांचों छह बोले हैं ना, उन सबकी आपने फोटो कॉपीज करवानी है और उनको अटेस्ट करवाना है। सर कहां से अटेस्ट करवा सकते हैं? आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाओ, वहां पे अटेस्ट हो जाएंगे, या किसी भी बैंक में चले जाओ वहां से अटेस्ट हो जाएंगे, या किसी भी कचहरी वगैरह में जज वगैरह से करवा लो, ठीक है। तो यही आई थिंक डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपका क्वेश्चन था, मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो इस पे बना दी, आई थिंक आपको भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चल गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।